रावलपिंडी में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है। बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में मेहदी हसन मिराज, लिटन दास को मैन ऑफ द मैच जबकि मेहदी हसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के बाद बांग्लादेशी कप्तान ने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ इसी रणनीति से खेलेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से खेली जाएगी टेस्ट सीरीज। बांग्लादेश के कप्तान नजमल हुसैन शंतो ने बताया कि भारत के खिलाफ मिराज और शाकिब अहम रोल निभाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मिराज ने 10 विकेट चटकाए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पीसीबी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई। पिछले 30 महीने से पाकिस्तान को घर में जीत नहीं मिली है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स भड़क गए। पीसीबी और खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई। खतरे में शान मसूद की कप्तानी। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की तारीख और जगह का ऐलान कर दिया है। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में 11 से लेकर 15 जून के बीच खेला जाएगा। WTC फाइनल में जरूरत पड़ने पर एक दिन का रिजर्व डे रखा गया है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास का तीसरा फाइनल मुकाबला होगा। लॉर्ड्स पहली बार खिताबी भिड़ंत की मेजबानी करने जा रहा है। WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रौंद कर लंबी छलांग लगाई है। बांग्लादेश की टीम WTC टेबल में 4th नंबर पर पहुंच गई है। टीम का PCT 45.83 का है। बांग्लादेश के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पर है। टीम का PCT 19.05 है। टेबल में भारतीय टीम टॉप पर बरकरार है। टीम ने अभी तक कुल 9 मैचों में से 6 में जीत हासिल की है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने फैंस को सरप्राइज दिया है। बुमराह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें वो गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी वापसी हो सकती है। बुमराह T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। बुमराह और कोच श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में शामिल नहीं किया गया था। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने विराट के करियर पर बड़ा खुलासा किया है। भज्जी ने विराट के शुरुआती दिनों के बारे में बताया है। अगर तुम 10,000 रन नहीं बना पाए तो खुद को शर्मिंदा महसूस करोगे। हरभजन सिंह ने इस बात का खुलासा एक पॉडकास्ट में किया। हरभजन ने बताया कि अपनी पहली टेस्ट सीरीज के दौरान विराट नर्वस हो गए थे और खुद से उनका भरोसा उठ गया था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले इंग्लैंड के लिए एक बुरी खबर आई है। कप्तान जॉस बटलर का खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट से जॉस बटलर बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को इसी महीने इंग्लैंड का दौरा करना है। जॉस बटलर को पिंडली में चोट लगी है। T20 ब्लास्ट में लंकशायर के लिए खेल रहे जॉस बटलर क्वार्टर फाइनल में इस टीम का सामना ससेक्स से होना था, लेकिन बटलर इस मैच के लिए मौजूद नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को भरोसा है कि वो भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कमिंस ने बताया कि लगातार मिली हार की भरपाई करने का ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा मौका है। कमिंस ने आगे बताया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मुकाबला बराबरी का होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से होनी है। भारत के विभू त्यागी और हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के रॉयल पाइंस में आयोजित वर्ल्ड डीप गोल्फ चैंपियनशिप में टॉप 10 में जगह बनाई। विभू त्यागी ने 82-75-73-73 राउंड खेले। उन्होंने 15 ओवर में 303 का कुल स्कोर करते हुए 4th स्थान मिला। 2 भारतीयों ने पहली बार डीप गोल्फ चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया है। विभू त्यागी के साथ हर्ष सिंह, जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आते हैं और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो 32 ओवर के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर रहे। वर्ल्ड डीप गोल्फ महासंघ एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ल्ड लेवल पर बधिर और कम सुनने वाले गोल्फ खिलाड़ियों के बीच गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।